सबसे पहले मैं आटा गूंथूंगी। तो एक बोल ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप मैदा ऐड कर दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 2 चम्मच मैं इसमें दूंगी रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हो। और इस आटे को मैं अच्छे से गूंथ लूंगी, और गूंथते समय गाइस आप ध्यान देना कि जैसे ही आप उसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करोगे और उसे आप थोड़ा सा हाथ में लेकर के प्रेस करोगे तो ये कैसे भुरभुरा सा हो जाता है, और ये भुरभुरा होना ही इसका मतलब होता है कि आपने जो आटे का मोयन दिया है वो एकदम सटीक दिया है। और अब मैं इसे अच्छे से पानी से गूंथ लूंगी। सबसे पहले मैं आटे को इसलिए गूंथ रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे इसे आधे घंटे के लिए ढक करके रख देना है, तो सबसे पहला काम इसलिए मैंने यही किया। आटे को मैं बहुत ही अच्छे से गूंथ ले रही हूँ, और गाइस मैं इसे ज़्यादा हार्ड नहीं करूँगी, सॉफ्ट तरीके से ही मैं इसे गूंथूँगी और इसे ढक करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और गाइस और इसके बाद मैं आलू का मसाला बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, मटर जो कि बॉइल्ड है, और अदरक बारीक कटी हुई, धनिया और हरी मिर्च। तो ये रही मसाला की, आलू जो मसाला मैं बनाऊंगी उसके इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी, और इसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसमें मैं जीरा ऐड करूंगी, हरी मिर्च ऐड करूंगी और अदरक, कुटी हुई अदरक, और इसमें मैं मटर ऐड कर दूंगी, और मटर के ऐड करने के बाद ही बॉयल किया हुआ आलू भी ऐड कर दूंगी, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और गाइस गैस की जो आँच है वो मैं बहुत ही मीडियम रखूँगी जिससे कि मसाला मेरा जल ना जाए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद गाइस इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें मैं भुना हुआ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो गाइस। मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप चाहो तो अमचूर ऐड भी कर सकते हो और नहीं भी ऐड कर सकते हो। और इस मसालों को ऐड करने के बाद इन्हें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और इसमें मैं बारीक कटी हुई धनिया ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी गाइस। तो मेरा आलू का जो मसाला है, आलू पेटीज का वो मसाला रेडी हो गया है गाइस। आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा बना हुआ है और एकदम परफेक्ट मसाला है। टोमेटो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि टोमेटो इसमें पानी छोड़ देता है, तो इसीलिए विदाउट टोमेटो के मैंने ये मसाला बनाया है। और गाइस अभी मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ स्लरी, उसके लिए मैंने 3 चम्मच एक बोल में 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है, और उसमें मैं 2 चम्मच घी ऐड करूँगी। आप चाहो तो गाइस इसमें वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं अभी 1 चम्मच घी ही ऐड किया है और ये मैंने दूसरा भी ऐड कर दिया है। इसे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी गाइस, और मिक्स करते समय मुझे इसमें थोड़ा सा और घी ऐड करना पड़ा था, और आप देख रहे हो ये ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो ये जो मेरा स्लरी है वो रेडी हो गया है, और गाइस इसमें आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हो और बटर भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस ये आधे घंटे मेरे कंप्लीट हो गए। आटा जो मैंने गूंथ के रखा था मैंने उसे अब यहाँ पर ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा और गूंथ लूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे इसकी लोइयाँ बनानी पड़ेंगी। और गाइस आटा तो बिल्कुल रेडी है, और अभी मैं जा रही हूँ इसकी लोइयाँ बनाने। तो लोई मैं इनकी बनाऊँगी अप्रॉक्सीमेटली इसकी 10 लोई तो बनेंगे ही। तो इसे एक्यूरेट एकदम सारी की सारी लोइयाँ इक्वल होनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इसे कट कर लूँगी। और जैसे ही आप लोग भी गाइस इसे ट्राई करना, और जो भी आप लोग साइज़ अप्लाई करोगे कट करने के लिए वो एकदम इक्वल रखना। इससे ये होगा कि क्योंकि लोइया बनाने के बाद हमें इसे बेलना भी पड़ेगा, तो वो एकदम एक साइज़ की होंगी, ना तो बड़ी होंगी और ना ही छोटी होंगी। तो ऐसे करके गाइस यहाँ पर मैं 10 लोई बना लूँगी क्योंकि इन्हें मुझे बेलना भी पड़ेगा। और गाइस इसमें एक बात ये भी रहती है कि आप मैदे को कैसे गूंथ रहे हो, उस हिसाब से भी जो लोई होती है, जो उसका जो बनता है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि बेलने के समय ही हमें पता चलता है कि आटा या फिर मैदा हमने कैसे गूंथा है। तो इसके लिए मैदा बहुत ही अच्छी तरीके से गूंथना चाहिए, और उसमें मोयन भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्यूरेट मात्रा में ऐड होना चाहिए। तो खैर गाइस अभी मैं यहाँ पर इसे बेल ले रही हूँ, और ये मैंने गाइस इसे बेल लिया है, और ये बहुत ही महीन बेला है मैंने, आप लोग देख रहे हो, क्योंकि लोई ही बहुत छोटी थी। अभी इसमें
मेरा हाथ जो है वो भी दिख रहा है हल्का हल्का, तो ये बहुत ही पतली मैंने इसे बेला है, क्योंकि आप जितना इसे पतला बेलोगे गाइस ये उतनी ही लेयर्स में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जो 10 लोइयां हैं मैं उन्हें बेल लूँगी, और बहुत ही पतली पतली मैं इन्हें बेलूँगी। तो सारी की सारी लोइयां गाइस यहाँ पर मैंने बेली हैं, तो यहाँ पर 10 लोइयां मैंने बेली थी, और ये रहा एक, ये रहा दो, तीन और चार, ऐसे करके 10 रोटियां मैंने बेली हैं जो कि बहुत ही पतली पतली हैं। और गाइस आप लोग देख रहे हो कि ये सारी लोइयां जो मैंने बेली हैं वो पूरी एक साइज़ की है। तो ऐसे करके गाइस मैंने इसे तो भी कंप्लीट कर लिया। और अभी गाइस मैंने यहाँ पर एक चपाती जो है, लाइक चपाती मीन्स जिसे मैंने बेला था आटा, उसे मैंने एक ले लिया है, और इस पर मैंने जो स्लेरी बनाई थी इसे मैं ऐड कर दूंगी। और इसे मैं चारों तरफ लाइक इसे पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर मिक्स कर लेना है, और इसके बाद मैं इसे सूखा मैदा इस पर ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। और स्प्रिंकल करने के बाद गाइस मैं इसे थोड़ा सा अपने हाथ से फैला दूंगी, आप चाहो तो ना भी फैला सकती हो। और इसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पर लोई जो मैंने बेली थी उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और फिर से मैंने वो स्लेरी ऐड कर दी है, और इसके बाद मैंने फिर से वो मैदा स्प्रिंकल कर दिया है। और ऐसे करके गाइस मैं 10 की 10 रोटियाँ जो मैंने बेली हैं उसे मैं पूरा एक के ऊपर एक पर ऐड कर दूंगी, और ऐसे करके ये एक लेयर्स में बना दूंगी। और देख रहे हो गाइस ये लास्ट लेयर्स मैंने ऐड कर दी थी, और ये पूरा एक साइज़ का हुआ है। और गाइस अभी मैं इसे चाकू से एक स्क्वायर शेप दूंगी, इसके लिए मैं इसे पहले से एक अंदाजे से मैं एक बना ले रही हूँ अंदाज़ा, जिससे कि एक स्क्वायर में वो परफेक्टली कट हो जाए। और अभी मैं इसे कट भी कर ले रही हूँ गाइस। स्क्वायर शेप में इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि ये पेटीज़ बनेगा, और पेटीज़ के लिए मुझे स्क्वायर शेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लास्ट जो कट करना है मुझे इसे मैं अभी कट कर ले रही हूँ, तो ये स्क्वायर शेप में बन जाएगा। देख रहे हो गाइस ये पूरा एकदम चौकोर हो गया है इसका साइज़। और अभी मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी, और बीच में से कट करने के बाद इधर फिर से मैं यहाँ पर एक कट कर लूँगी। ऐसे गाइस आप देख रहे हो कि ये चार तरीके से बन गए हैं स्क्वायर शेप में। और ये रहा मेरा 10 रोटियों का जो मैंने बनाया था लेयर्स वो, और ये लेयर्स भी आप लोग गाइस देख रहे हो कि अंदर कितने सारे लेयर्स हो गए हैं। और अभी मैं इस स्क्वायर शेप में जो मैंने उन्हें कट किया है उनको भी मैं अभी बेल लूँगी। गाइस इसे जो बेलूँगी मैं तो स्क्वायर शेप में ही करूँगी, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो पेटीज़ का कौन सा शेप होता है। तो अभी मैं इसे देख भी ले रही हूँ कि ऐसे करने से कितना बड़ा या छोटा होगा। अगर आपको ज़्यादा छोटा लगे तो आप थोड़ा सा साइज से बड़ा भी कर सकते हो, बट मेरे लिए परफेक्ट है। और अभी मैं इसके चारों तरफ से पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा हल्के हाथों से मैं इसे भिगो लूँगी, क्योंकि मैं इसमें जब मसाला ऐड करूँगी तो इसे मुझे फिर उसके शेप में लेने के लिए प्रेस करना पड़ेगा। और पानी ऐड करने से गाइस ये बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। और यहाँ पर गाइस आप देख रहे हो मैंने जो आलू का मसाला बनाया था उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और मसाला मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दूंगी गाइस, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो। और अभी आप देख रहे हो गाइस कि पानी जो मैंने इसमें चारों तरफ से थोड़ा सा ऐड कर दिया था, थोड़ा सा लगा दिया था अपनी उंगलियों से, इससे अभी मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बंद हो जा रहा है। क्योंकि गाइस इसका बंद होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर इनका थोड़ा सा भी किसी भी पोर्शन से ये थोड़ा सा खुला रह जाता है तो मेरा जो भी मसाला रहेगा वो फ्राई करते टाइम बाहर निकल जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे। और रेडी हो गया है मेरा ये पेटीज, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसे फ्राई करना है। तो ऐसे करके मैं इन सभी को स्क्वायर शेप में करके पेटीज का साइज़ पूरा ऐड कर दूंगी, आलू वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके। आप देख रहे हो गाइस कि ये रेडी हुआ है फ्राई करने के लिए। तो चलिए गाइस फटाफट अभी मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ, और इसमें मैं रिफाइन ऐड कर दूंगी। कम रिफाइन तो नहीं होगा यूज़, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये आलू पेटीज़ है और इसे मुझे बहुत ही क्रंची तरीके से फ्राई करनी है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया है। और मीडियम आंच में ही गैस को रखूँगी क्योंकि ज़्यादा आंच को अगर हाई करूँगी तो ये जल भी सकते हैं और टेस्ट इसका अच्छा नहीं होगा गाइस, तो इसलिए मैंने बहुत ही मीडियम आँच रखी है। और अभी मैं दो दो करके ऐसे करके फ्राई कर दूँगी।
गाइस मैं एक बार आप लोग को और बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इसको जैसे ही बनाना तुम एक बार ट्राई करके बनाना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोग चाहे देख रहे ही होंगे गाइस, क्योंकि ये पेटीज जो होता है वो हम लोग बाहर का ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उनके लेयर्स वगैरह वो एक बाहर की रेसिपी होती है, क्योंकि बाहर जो दुकानों में मिलते हैं वैसे घर में बनाना पॉसिबल नहीं होता। बट मैंने गाइस आज इसे बनाया है और मैं आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। तो बाज़ार जैसा आलू पेटीज अब आप खुद घर पर ही बना के इन्जॉय कर सकते हो, स्नैक्स में भी आप गाइस इसे इन्जॉय कर सकते हो। झटपट बन जाएगा बहुत ही जल्दी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बाजार जैसा बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो गाइस ऐसे करके मैं इन सभी पेटीज को फ्राई कर लूँगी और आप देख रहे हो कि ये बहुत ही हल्का मैंने इसे फ्राई नहीं किया है, थोड़ा सा ब्राउनिश तरीके से मैंने फ्राई किया है और जैसे कि बाज़ार में मिलता है, मार्केट में हमें मिलता है क्रंची। और ऐसे करके मैं सारे पेटीज को फ्राई कर लूँगी गाइस और रेडी हो गया है मेरा आलू पेटीज। ये रहा मेरा आलू पेटीज गाइस, ये देखने में बहुत ही टेस्टी हो रहा है और खाने में भी बहुत लजीज बना है। और यहाँ पर मैंने सॉस ऐड कर लिया है, चिली सॉस और टोमेटो सॉस। आप चाहो तो घर की बनाई हुई चटनी भी ऐड कर सकते हो इसमें, सॉस की जगह आप चटनी ऐड कर सकते हो। तो गाइस आप लोग ज़रूर इसे घर पर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी मैं इसे कट करने जा रही हूँ और आप देख रहे हो कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हुआ और इसका आवाज़ आप सुन रहे हो गाइस, ये कितना क्रंची हुआ है और खाने में ये वाकई बहुत ही अच्छा हुआ है। और अभी मैं सॉस से भी इसे टेस्ट कर ही दे रही हूँ। वाकई में इसके लेयर्स आप देख रहे हो कैसे इसके लेयर्स आ गए हैं, जैसे कि हमें मार्केट में देखने को मिलता है बहुत सारे लेयर्स होते हैं, सेम वैसे ही लेयर्स में ये आ गए हैं। और ये गाइस बहुत टेस्टी बना है, आप भी इसे ट्राई करना और मुझे बताना ज़रूर पापा।